हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे बिहार बिजली स्मार्ट प्रीपेड मीटर के बारे में बात करेंगे। अगर आप बिहार के निवासी हैं, आप साउथ बिहार से बिलोंग करते हो या नॉर्थ बिहार से बिलोंग करते हो, छोटे शहरों से बिलोंग करते हो या बड़े शहरों से बिलोंग करते हो, गांव देहात से बिलोंग करते हो, तो सभी जगह जो है स्मार्ट प्रीपेड मीटर जो है स्थापित किए जा रहे हैं। पहले आपका घर में जो है आपको नॉर्मल मीटर लगा होगा, मगर अब सभी जो है छोटे शहरों में भी, गांव देहात में भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर जो है इंस्टॉल किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको जानकारी होना चाहिए कि कैसे जो है स्मार्ट मीटर, प्रीपेड जो मीटर होता है वो कैसे काम करता है, किस दिन अगर आपका बैलेंस जो है समाप्त हो जाता है तो कब से कब तक जो है आपका लाइट नहीं कटती है, और कैसे उसकी बैलेंस को जो है आप देख सकते हैं, पूरी एक्टिविटी को जान सकते हैं, और किस रेशियो से जो है बिल जनरेट की जाती है, पूरी डिटेल्स आपको इस वीडियो में कवर करेंगे। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी चाहिए, चैनल पर पहली बार विजिट किए चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बिजली विभाग से रिलेटेड और आपको वीडियो जानना है कैसे कनेक्शन करते हैं, कैसे मीटर लगवाते हैं, कैसे हम बिल को सुधरवाते हैं, कैसे लाइन कटवाते हैं, कैसे एप्लीकेशन लिखते हैं, सारी डिटेल्स वीडियो ऑलरेडी हमने बना रखे हैं, उसकी प्लेलिस्ट जो है इलेक्ट्रिसिटी बिजली के नाम पे बनी हुई है, उस पे जाके वीडियो देख सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं। बात करेंगे स्मार्ट प्रीपेड मीटर की। तो देखिए, अगर आप साउथ बिहार से बिलोंग करते हो, नॉर्थ बिहार से बिलोंग करते हो, दोनों का प्रोसेस सेम है। अब देखिए, पहले जो था बड़े बड़े शहरों में ही जो है स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे थे, मगर अब गांव देहात में भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाना शुरू हो गए। तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है और बहुत सारे भ्रमिक भी हैं, डर भी रहे हैं कि जो हमारा स्मार्ट प्रीपेड मीटर लग जाएगा तो हमें बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, हम गाँव देहात से बिलोंग करते हैं, अगर हमारी बैलेंस जो है शाम में ख़त्म हो जाती है तो हम कहाँ भरवाएंगे, कैसे भरेंगे, हमारी लाइट जो है कट जाएगी, हम मार्केट नहीं जा पाएंगे। तो देखिए, अगर आपके पास घर में जो है स्मार्ट प्रीपेड मीटर लग जाती हैं, और सपोज दैट आपका जो है बैलेंस जो है अगर 5 बजे के बाद जो है आपका बैलेंस खत्म हो जाती हैं, तो आपका लाइट जो है बिल्कुल नहीं कटेगा। ये जो है स्मार्ट प्रीपेड मीटर का रूल्स है कि अगर 5 बजे के बाद अगर आपका बैलेंस खत्म हो जाता है तो आपको 5 बजे के बाद लाइट नहीं कटेगी, अगले डे जो है आपको 10 बजे के बाद जो है लाइट कटेगी। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि अगर आपका 5 बजे के बाद बैलेंस ख़त्म होती है तो आपको किसी भी हाल में जो है आपका लाइट बंद नहीं होगी, अगले दिन जो है 10 बजे के बाद ही जो है आपको लाइट बंद होती है, क्योंकि बिजली विभाग भी, सरकार भी जानती है कि अगर शाम में जो है किसी का बैलेंस ख़त्म होता है तो वो जो है रिचार्ज करने में सक्षम नहीं होते। कोई लोग जो है देहात से बिलोंग करते हैं, उनको मोबाइल से करना नहीं आता है, तो उस स्थिति में जो है 5 बजे के बाद बैलेंस खत्म होने पे अगले डे ही आपको 10 बजे के बाद ही जो है लाइट कटेगी। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। सपोज दैट अगर किसी दिन हॉलीडेज है, मान के चलिए संडे है, संडे को अगर आपका जो है बैलेंस खत्म होती है तो भी आपका जो है लाइट जो है वो बंद नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखेंगे। कोई भी ऑफिशियल छुट्टी है, हॉलीडे है, उस डे जो है आपका लाइट नहीं कटेगा, अगले डे ही अगर आपका बैलेंस खत्म है तो आपका लाइट कटेगी। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे, आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके स्मार्ट मीटर लगने वाले हैं या लग गए हैं तो इस बात का ध्यान रखेंगे। देखिए, आप एक्टिविटी, आप बिहार बिजली स्मार्ट मीटर लगा हुआ है तो डेली का एक्टिविटी जो है आप चेक कर सकते हैं कि आपका कितना बैलेंस जो है अभी आपके मीटर में बचा हुआ है। उसकी डिटेल्स के लिए जो है आप बिहार बिजली स्मार्ट मीटर ऐप्स जो होती हैं, आप साउथ बिहार के मेन विभागीय वेबसाइट पर जाएंगे तो देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं क्लिक के टू डाउनलोड, यहाँ पे अगर आप एंड्रॉयड ऐप जो है स्मार्ट मीटर का लोड करना चाहते हैं तो इसको जो है आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, वहाँ से स्मार्ट मीटर कंज्यूमर एक्टिविटी जो ऐप है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे एंड्रॉयड और यहाँ पे iOS के लिए भी दी गई है, इसका विभागीय वेबसाइट भी दिया गया है, इस पे भी आप पूरी एक्टिविटी को जो है आप चेकआउट कर सकते हैं। देखिए, इस तरह का जो है यहाँ पे स्मार्ट मीटर का वेबसाइट ओपन होता है, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। देखिए, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का लिंक आपको मिल जाता है, यहाँ पे आपको अकाउंट बनाना होगा, अकाउंट बनाने के लिए यहाँ पे रजिस्टर्ड बटन पे क्लिक करना होता है। तो यहाँ पे आपको कंज्यूमर नंबर देना है, जो आपके बिल में मोबाइल नंबर है वो डालना है, ईमेल आईडी ऑप्शनल है, उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, एक ओटीपी आपके मोबाइल पे जाएगा, वो ओटीपी आपको वेरीफाई करके इसमें अकाउंट बना लेना है। तो आपका डेली का जो एक्टिविटी है वो यहाँ पे शो होती रहती है, उसके बाद आप लॉगिन कर लेंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर पासवर्ड जो आप दिए हैं उसको डाल के यहाँ पे साइन इन बटन पे क्लिक कर लेंगे,
उसके बाद आपको पेमेंट करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप अकाउंट न भी बनाएंगे तो यहां से आप पेमेंट कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं अपने स्मार्ट प्रीपेड मीटर को। सिंपली कंज्यूमर नंबर डालेंगे, नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे, आपकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी। जितना आपका बैलेंस रहेगा या माइनस में रहेगा वो शो हो जाएगा। जितना का आप रिचार्ज करना चाहते हैं वो आप रिचार्ज कर सकते हैं, 100 रुपया, 50 रुपया, जितना भी आपको इच्छा हो उतना आप रिचार्ज कर सकते हैं। तो ये तो बात हुआ आप जो है बिल को कैसे देखेंगे और कैसे जो है इसमें जो है पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट करने के लिए मोबाइल से भी जो है आप इस वेबसाइट को जो है ओपन कर लेंगे, बिहार बिजली स्मार्ट मीटर। उसके बाद जो है यहाँ से आप जो है बिल की एक्टिविटी को देख पाएंगे और पेमेंट भी कर पाएंगे। उसके बाद बात आती है, अगर आप मोबाइल का ऐप लोड कर लेंगे तो बेटर रहेगा। ये मोबाइल जो है एंड्रॉयड के लिए जो है, इस मोबाइल प्ले स्टोर पर जाएंगे, स्मार्ट मीटर कंज्यूमर एक्टिविटी डालेंगे तो वहाँ पे ऐप आपको मिल जाएंगे। वो जो है आपको ऐप को जो है डाउनलोड कर लेना है। अकाउंट सेम प्रोसेस से आपको बनेगा, वहाँ पे भी आपको अकाउंट बना लेना है और डेली की जो कंजप्शन है आपको एक्टिविटी वहाँ पे शो होती रहती है कि आज जो है इतना आपका बैलेंस बच रहा है, इतना खपत हुआ। तो उससे आप ये देख सकते हैं कि कितना हमारी बैलेंस बचा हुआ है और उस हिसाब से जो है आप उसको रिचार्ज करके आप बिजली का उपयोग कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई बिल देखने और रिचार्ज करने की। उसके बाद यहाँ पे एक प्रॉब्लम्स ये भी आ रही हैं कि लोग भ्रमित हैं कि अगर हम जो है बिल हमारा लाइट ख़त्म हो गया, हमारा जो बैलेंस है वो ख़त्म हो चुकी है, तो उसके बाद जो है हम सपोज दैट हमको घर जो है बंद करके आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो उस स्थिति में भी बिल हमको जो है अगर माइनस में है तो वो बढ़ता रहता है क्या? बिल्कुल बढ़ता रहता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। बहुत लोगों को जानकारी नहीं है और वो ये सोचते हैं कि सपोज दैट हमारा जो है बिल जो है माइनस में चला गया, हमारा लाइट जो है कट चुकी है, तो उसके बाद सपोज दैट हमारा बिल जो है माइनस में 100 रुपये है, तो वो अगर हम यूज नहीं कर रहे हैं तो वो भी बढ़ता रहता है क्या? बिल्कुल बढ़ता रहता है। देखिए एक विभाग का जो है फिक्स चार्ज होती है, फिक्स चार्ज जो है वो बढ़ते रहता है। जैसे आप नॉर्मल मीटर भी है तो अगर आप घर बंद करके कहीं चले जाते हैं तो विभाग की जो रूल्स रेगुलेशन है कैटेगरी वाइज जो है जो फिक्स चार्ज होती है वो आपको लगता है। सपोज दैट अगर घर का कनेक्शन है तो फिक्स चार्ज 40 रुपये जो होते हैं वो आपको लगते हैं। उसी तरह से स्मार्ट मीटर प्रीपेड मीटर के भी रूल्स हैं जो फिक्स चार्ज के रूप में देने होते हैं। हर कैटेगरी का अलग अलग होता है, जैसे DS घर का अलग होता है, दुकान का अलग होता है, एग्रीकल्चर का अलग होता है। उसके बाद अगर आपका इंडस्ट्रियल कनेक्शन है, LTIS है, मील है, टावर है, इस तरह के हैवी लोड भी है तो उसका अलग अलग जो है कैटेगरी वाइज जो है उसकी फिक्स चार्ज होती है। तो स्मार्ट प्रीपेड मीटर में भी आपको फिक्स चार्ज देने होते हैं जैसे नॉर्मल मीटर में देते हैं। तो ये बात का आप ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होती है, वो बोलते हैं कि हमारा लाइट तो कटा हुआ था, हम 10 दिन से नहीं थे, फिर भी हमारा माइनस 100 रुपये में था, आज 400 रुपये पहुँच गया, 300 रुपये पहुँच गया, 200 रुपये पहुँच गए। तो इस तरह की जो है शिकायतें जो है मिलने देखने को मिलती हैं। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, आप पैनिक न होंगे, ज़्यादा इधर भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं, जो फिक्स चार्ज होता है वो होता है। और यहाँ पे इंटरेस्ट भी लगता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर आपका माइनस में बिल है तो उसका इंटरेस्ट भी सपोज दैट 500 या 1000 रुपये माइनस में है तो उसका इंटरेस्ट भी बढ़ती रहते हैं। अगर आपका लाइट कट भी गया है तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि बिजली विभाग जो है पेनाल्टी जो है इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई होती है। तो आप ज़्यादा बकाया ना रखिएगा, जो भी हो वो क्लियर करके चलिएगा तो बेटर रहेगा आपके लिए। तो ये सारे डाउट जो थे स्मार्ट प्रीपेड मीटर से रिलेटेड वो हमने इस वीडियो में जो है क्लियर किए हैं। और बिहार में जो है अब छोटे गाँव में भी, गांव देहात में भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर जो है इंस्टॉल किए जा रहे हैं, हमारे एरिया में भी स्टार्ट हो चुकी है। तो आपके एरिया में कब स्टार्ट हो रहा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई भी टॉपिक अगर मिस हो गया हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, उस पर डिटेल्स वीडियो हम बनाने की कोशिश करेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना जरूर करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोगों को जानकारी मिल सके और वो भी बिहार स्मार्ट मीटर से रिलेटेड जो है वो डाउट को जो है क्लियर हो सके। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।